नमस्कार, मैं नीरज श्याम आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस बार खुद के वेबिनार शो में आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था है, लेकिन कोरोना महामारी के संकट काल में इस अर्थव्यवस्था की दुर्गति हो रही है। एक तरीके से किसान मजदूर सबकी हालत खराब है। किसान सड़कों से और मंडियों से जो तस्वीरें आ रही किसानों की मजदूरों की, वो विचलित कर देने वाली हैं। मंडियों के बाहर सड़कों पे किसान अपनी फसल सब्जियां सड़कों पर फेंकने को मजबूर है, क्योंकि उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिल रहा, उनकी लागत नहीं निकल रही। यहाँ तक कि कुछ किसानों का बिल्कुल कहना है कि वो सब्जियां जो खेतों से तोड़ते हैं उसकी भी लागत नहीं मिल रही, इसकी वजह से वो मजबूर हैं और कई तो खेतों में ही अपनी फसल को जो है मजदूर जो कृषि मजदूर जो मुंबई दिल्ली बंगलोर जैसी शहर करते हैं, आज उनके पास काम नहीं है। उनके पास आने के साधन नहीं है, खाने को पैसे नहीं, जिसकी वजह से वो अपने घरों को गांव को लौट रहे हैं अपने प्रदेशों को, लेकिन उनके लिए ट्रेनों की बसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोग भूख से मर जा रहे हैं, तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ फैल चुकी है। इन सब मुद्दों पर क्यों किसान परेशान है, क्यों मजदूर परेशान है, इन सब मुद्दों पे आज के शो में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र प्रसाद जी, जीशान खान जी और जर्नलिस्ट इंदर बिष्ट जी। जी जीशान जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी जीशान जी क्या हालात हैं आपकी तरफ? आप बिहार से सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप दौरान काम करते भी हमें दिखाई दिए सड़क लोगों तक खाना पहुंचाते हुए। क्या स्थिति है मजदूरों की, जो माइग्रेंट मजदूर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं कर रखी है राज्य सरकार ने आपकी तरफ? किन हालातों से गुजर रहे हैं लोग, कौन सी कठिनाइयां लोग फेस कर रहे हैं? निशान जी हाँ सर, एक्चुअली आवाज़ आपकी नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं क्वेश्चन आपका सुनने का, तो फिर से एक बार रिपीट करें। हेलो हेलो आपके इलाके में क्या हेलो। आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके इलाके में क्या हालात हैं मजदूरों के? हाँ और एक्चुअली अच्छा, एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जिस जगह पे से मैं बिलोंग करता हूँ, ये NH2 कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हाँ हेलो। हेलो जी जी सर आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। मैं फिलहाल गया में हूँ, गया बिहार, और NH2 हमारे यहाँ क्रॉस करता है। यहाँ पे काफी राज्यों का बॉर्डर जो है यहाँ पे कनेक्ट है। काफी जगह से लोग जो पलायन करके हमारे गया में आ रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं खुद उन लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीज बताई जा रही हूँ लोगों के द्वारा। कोई सुविधा उन्हें मिल नहीं पा रही है आने में, या फिर रास्ते में किसी भी मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू उन लोगों को प्रोवाइड नहीं जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि एक घटना आज हमारे यहाँ घटी है शेरघाटी में। हेलो इंदर जी जी इंदर जी आपका आवाज आ रही है मेरी? इंदर हाँ आ रही है, बोलिए आ रही है। जी हाँ सर बोलिए। हाँ, आप लगातार लॉकडाउन के दौरान तमाम चीजों को कवरेज करते रहे, इस दौरान आपका क्या अनुभव रहा? लोग क्यों इतने पैनिक हो रहे हैं, मजदूर हो चाहे किसान हो, तमाम लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हो या फिर बड़े
बड़े उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को क्यों इतने पैनिक हैं? सुंदर अच्छा ये जैसे जी, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है अंशुल? आवाज आ रही है? हेलो, जी सबको आवाज आ रही है, आप बोलते हैं। जी जी कहिए सुंदर जी। अच्छा, तो जैसे ये लॉकडाउन जैसे अनाउंस किया गया था, तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके लिए किसी भी तरह की कोई प्रायर चेतावनी नहीं दी गई थी। तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो लोगों में एक भगदड़ सी मच गई थी, और फिर बहुत से लोग, उन्होंने कोशिश करी कि वो अपने अपने वापस अपने जहाँ से वो आए हैं पलायन करा जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो बस हो, चाहे अगर बस नहीं थी, बस बंद हो गई थी तो उन्होंने चल के भी कोशिश करी, लेकिन उनको बॉर्डर एरिया से, देखने में आया कि बॉर्डर एरिया से वापस भेज दिया गया, जो भी स्टेट का बॉर्डर था वहां से वो वापस भेज दिया गया। उसके बाद जितने भी जो मजदूर थे वो अपने घरों में वापस जबरदस्ती वो वापस रहे वहां पे, करीब 1.5 महीना 50 दिन हो गए हैं अभी तक वो वापस रह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको ना तो वो कमा पा रहे हैं और ना ही उनको सरकार की तरफ से राशन मुहैया कराया जा रहा है। जो भी उनको मदद मिल रही है वो गैर सरकारी संगठन के द्वारा, एक गैर सरकारी संगठन और इंडिविजुअल्स डोनर्स जो हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से बहुत ही कम, और जो भी दिया जा रहा है उसकी सही जानकारी नहीं है लोगों के पास। और दूसरा ये है कि उनकी जैसे कि उनका कमाई का जरिया बंद हो गया है एक तो, और दूसरा खाने का प्रॉब्लम है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उनको अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर काफी क्वेश्चन मार्क लग गया है कि ये जो लॉकडाउन अगर खत्म भी होगा तो उसके बाद भी क्या उनकी जो नौकरी, जैसे पहले वो काम करते थे जिस भी उद्योग से वो जुड़े हुए थे, वो क्या वो दोबारा वापस आ पाएंगे कि नहीं? क्योंकि इस जो 2-3 महीने का ये जो चला है संकट, उसकी वजह से लोगों की जो आमदनी का, मतलब उनकी जो परचेजिंग पावर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो काफी हद तक कम हो गई है। तो वो जो चीज बनाते थे मजदूर लोग, वो उसकी डिमांड कितनी रह जाएगी जब लॉकडाउन खुलेगा, तब भी उसका किसी को कोई पता नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो उद्योग धंधे हैं ये वापस खुलने में काफी टाइम लग जाए, 6-7 महीने भी लग सकते हैं और ज्यादा भी लग सकते हैं, पहले जैसी स्थिति आने में काफी टाइम लग जाएगा। तो ये भी एक चिंता का कारण है जो कि मजदूरों को काफी खाया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से 3 मुख्य मुद्दे हैं जो एक मजदूर को सता रहे हैं अभी अभी मेरे हिसाब से। राजेंद्र जी, आपका क्या विचार है मजदूरों की स्थिति पे? अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि मजदूरों की असली चिंता क्या है? और ये जो पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है, सड़क पे लोग घूम रहे हैं, तो इस पे आपके क्या विचार? हेलो, राजेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? राजेंद्र हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी? जी, जी, सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है राजेंद्र जी का, नेटवर्क का कुछ इशू है, शायद इस नहीं, वजह से मेरे मजदूर नहीं पा रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही जी सर? शान जी, हेलो राजेंद्र जी हेलो, आपसे ये, हाँ राजेंद्र जी, आप आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर आपकी आवाज आ रही सर?
जी, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि वहां पे क्या सिचुएशन है पानीपत सोनीपत के आसपास ओवरऑल, जहां पे कर्मचारी जो है वो काम करने आते थे, आए थे, और अभी उनको वापस जाना पड़ रहा है, वहां पे ओवरऑल क्या स्थिति है मजदूरों की, जरा वो आप बता पाएंगे? जी, नमस्कार सभी को। सर, मेरा कहना यह है कि मैं जो हम जो देखा है, खासकर जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें जो मजदूर जाते थे सर, अब उन मजदूरों को लॉकडाउन के बाद उनको बोल दिया भी आप अपने घर रहेंगे। अब घर में रहेंगे तो वो उस दौरान उनको कुछ आमदनी तो मिली नहीं, ना ही उनको सैलरी वगैरह दी गई। अब उस दौरान उनको इतनी जी परेशानियां आई कि बहुत ज्यादा। और दूसरा सर, ऐसा हुआ कुछ जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने क्या करा, बीच लॉकडाउन के बीच में उनको बोला कि आप ड्यूटी पे आ जाएं, और अगर आप नहीं आ जी सकते तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर काम करने के इच्छुक नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं है, और आपको यहाँ से आप दोबारा फिर यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। अगर आप अब उसके कर्मचारियों की मजबूरी क्या रही कि वो लॉकडाउन के अंदर ना तो वो पैदल जा सकता था, जैसे जी उसने 10-20 किलोमीटर दूर जाना है ना पैदल जाने सकता था ना साइकिल पे, क्योंकि रास्ते रास्ते में पुलिस खड़ी थी। अब उनके लिए कुछ लोगों की तो जो रोजगार था उनका जबरदस्ती छीन लिया गया। और उसके बाद आपने देखा है कि जैसे भी कुछ बेचारे जो लोग हैं, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, जो गांव के बसिंदे नहीं हैं, और वो उसमें टेंटों में पड़े हुए हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में पड़े हैं, ये कुछ तो जैसे ऊन रखते हैं, घोड़े वगैरह रखते हैं, कुछ ये जो लोहार होते हैं, गड़ी अलवार होते हैं, कुछ ऐसे जो बाहर गांव के बाहर फिरनी पे या गांव के जहां भी खाली जगह देखते हैं वहां पर अपने टेंट वगैरह डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, 10-20 दिन के लिए, उसके बाद फिर वो अगले गांव में चले जाते हैं। अब उन लोगों को किसी ने नहीं संभाला। अब ना तो वो गांव की पंचायत में शामिल हुए कि भाई उनको वहां से राशन मिल जाए, ना ही सरकार उनके कहीं बैंक अकाउंट है, वे सरकार ने कहीं उनको पैसा दिया है, और इस तरीके से उन लोगों की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय स्थिति रही सर। और ये लॉकडाउन के अंदर हमने जो देखा कि सही परिप्रेरण से, सही तैयारी से इसके ऊपर मतलब काम नहीं हुआ। अगर उनके बारे में सोचा जाता, हम खासकर जो मजदूर तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसके बारे में ऐसा नहीं हुआ। और जैसा भी हमने देखा है कंपनियों के अंदर के जो काम करने वाले जो लोग थे बेचारे, आज उन लोगों को इतनी परेशानी आ रखी है कि वो जाते हैं कंपनियों में, कहे हैं अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक आप यहाँ, वो बेचारे बार बार से चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे बाहर के जो प्रवासी मजदूर जो आए हुए हैं, खेतों में पड़े हुए हैं बेचारे, कुछ लोग हैं जो कि वो इसी उम्मीद में हैं कि भाई हम यहाँ पर गांव में रहेंगे, हम धान की खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन उस दौरान अब उन लोगों को जब कोई स्थायी काम ही नहीं है लॉकडाउन के अंदर, ना ही अभी तक कोई ऐसा कुछ काम है, तो उनके लिए भी बहुत परेशानी इतनी आई है कि वो बेचारे ना तो गांव में मांग सकते किसी से कि भाई हमारे पास ऐसा है, और ना ही उनको किसी तरीके कोई मदद है। तो वो लोग ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और जो ये स्थिति थी कि भाई आप लोग जो जाना चाहते हैं, आप अपने घर में या आप अपने राज्य में जाना चाहते हैं जी, ऑनलाइन प्रक्रिया ऐसी थी कि पढ़े लिखे लोग ही उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया में उलझ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में फॉर्म भरवाना, इस तरह से करवाना बड़ी परेशानी वाली मतलब बात रही है सर। तो कुल मिला के ये है कि जो हमने जैसे देखा है कि खासकर मजदूर तबका और जो बाहर से आए हुए हैं बेचारे, उन लोगों के लिए बहुत परेशानी रही सर। हाँ सिपिक सर, हेलो हेलो, जी हाँ सिपिक सर, कुछ जी आवाज आई जी आई या कट के आई सर आवाज से? इंदर जी, आप क्या इंदर सर, हाँ सर बोलिए। आपको आवाज आ रही है मेरी?
हाँ बिल्कुल आ रही जी जी सरकार जो मजदूरों के लिए ट्रेनें चला रही हैं, जैसा कि दावा है सरकार के कि ये 50% केंद्र सरकार उनके किराए का जो है किराया जो दे रहे हैं और 15% रेलवे देगा, मगर फिर भी बहुत सारे मजदूरों की शिकायत है कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, किराए वसूल किए जा रहे हैं। इसमें इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे ख्याल से ये बात शुरू में हुई थी, ये बात उड़ी थी कि मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। उसके बाद सरकार, जी राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से टिकट के पैसे मेरे ख्याल से दे दिए थे, मजदूरों को मुहैया करवा दिए गए थे। तो मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ज़्यादा लंबा खींचा था कि पैसों का मामला। हालांकि ये जो नई जो ट्रेनें चल रही हैं, जो अभी ट्रेन ये जो चलाई गई हैं, ये मेरे ख्याल से इनमें जो किराया है ये काफ़ी ज़्यादा है। मुझे इतनी मतलब जानकारी पूरी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ट्रेन नई अभी 2-3 दिन पहले चली हैं, उनमें जी ट्रेन में जो किराया है ये काफी मतलब ज्यादा है। इसके बारे में कोई हम कंफर्म नहीं कह सकते कि पैसे कहाँ से लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से रेलवे से नहीं लिए जा रहे, जहाँ तक मुझे जो शुरू में जो मतलब लोगों को गए थे उसमें पैसे नहीं लिए गए थे। मोबाइल और कोई सवाल है? जिसान जी, आवाज आ रही है सर। हाँ जी, आप क्या आवाज? हेलो, जिसान, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी जिसान, हेलो। जिसान हेलो, जिसान आप तक हाँ जी, अंजुले जी बोले जी। ओके। जिसान जी, अंजुले जी बिहार बोले। बिहार के काफी लोग बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा माइग्रेंट हैं जो काम करते हैं, वहां पे बिल्कुल लौट रहे हैं जो अपने घरों को, वहां पे क्वारंटाइन जो सेंटर बने हुए हैं उनके हालात कैसे? कई जगहों से बहुत खराब खबरें आ रही हैं, मतलब अच्छी खबरें नहीं आ रही वहां पे, मतलब अव्यवस्था का आलम है। सही तरीके से व्यवस्था, कितनी व्यवस्था कर रही थी सरकार ने और कैसे क्वारंटाइन सेंटर में लोग रह रहे हैं? जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो बिहार सरकार है ये दावा कर रही है कि जो बिहार से बाहर जो मजदूर लोग हैं फंसे हुए, उन्हें लाने के लिए जहां तक बात चल रही है, तो मैं इसका, हमारे पास कुछ लोगों से मैंने मिला भी था कि जो फेयर, जो भाड़ा होता है उसका दुगना उनसे भाड़ा लिया जा रहा है। दूसरी चीज की कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन्हें डायरेक्ट घर पे भेज दिया जा रहा है, उनका कोई चेक नहीं हो रहा है। और कुछ जगह पे अगर क्वारंटाइन सेंटर बना भी है तो वहां पे सारी सुविधाएं मुहैया नहीं की जा रही, जैसे मलमूत्र के लिए भी, इवन खाने पीने का व्यवस्था भी उन्हें सही से नहीं मिल रहा है। आज की घटना है हमारे यहाँ, पे घटना घटी है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे 13 दिन से कुछ लोग क्वारंटाइन थे और उनको फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो उन्हें वहां पे ना भोजन की सही से व्यवस्था मिली, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे एक महिला रह रही थी जिनके साथ में एक 2 साल की बच्ची थी। उस बच्ची को भी सारी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो वहां से लगभग 6 से 7 व्यक्ति उस जगह से भागे,
जिसमें एक पुलिस प्रशासन के साथी भी हैं जो व्याप्त उस में बता रहे हैं कि सारी सुविधा है नहीं, ना खाने की सही से व्यवस्था है और ना ही रहने का व्यवस्था है, ना बाथरूम वगैरह अवेलेबल है। मैं दो जगह मैं खुद विजिट किया हूँ वहां पे, कुछ हमारे मैंने वीडियो क्लिप बनाई भी है इससे लेकर के, लोगों से बात किया था। लोगों का जो डिमांड है, जैसे उन लोगों का कहना है कि खाने पीने में चावल जैसा मीन्स लो कैटेगरी का मिल रहा है, सब्जी वगैरह, ये सारी चीज सुविधा जो सरकार दावा कर रही है पूरी तरह से ये फेल है और लोगों को सही सही सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी जी सर आप कोई जी सवाल? ये तो सुविधाएं होंगे। वहां पर कई हेलो जगह खबरें आ रही हैं कि मतलब लोग स्ट्रिक्ट हैं, कि लोगों को जो है गांव वाले की आपके बिहार में, कि वहां पे लोगों को जो गांव में नहीं आने मजदूर आ रहे हैं उनसे, कि आप पहले जो है क्वारंटीन सेंटर में रहिए और अपना टाइम पूरा कीजिए जो 14 दिन का है, और उसके बाद घर में आइए। ये कितनी जगह फॉलो हो रहा है? ये बात सच है कि मैं 50-50 कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी मेरे पास केसेस आए हैं जो रात में 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास, जब लोग सो जाते हैं, सन्नाटा रहता है पूरा गांव या शहर, तो लोग चोरी छुप के वहां पे एंट्री कर जाते हैं। ऐसा कई घटना गया जिला में खास करके मैंने देखा है और मेरी जानकारी में है ये। और कुछ लोग ऐसे भी, जैसे मैं आज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज एक गांव पे विजिट कर रहा था, उस गांव में एक व्यक्ति चोरी छुप के आके छिपा है, लेकिन गांव के लोगों को जब पता चला तो वो यहाँ पे प्रशासन से उन लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया है, प्रशासन से उसे उन लोगों ने बात किया कि सर यहाँ पे ऐसी कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन शाम तक के ये इंफॉर्मेशन है कि वहां पे उस व्यक्ति को जांच के लिए नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया। जी प्रशासन तो पूरी तरह से फेल है यहाँ पे, गवर्नमेंट जो है बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। प्रशासन को मैं इसलिए दोष दे रहा हूँ क्योंकि प्रशासन दो गलत काम करे, एक तो बिना पूछे हुए लोगों को मारपीट करिए, वो सॉल्यूशन नहीं है। आप जेन्युइन काम के लिए कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर निकल रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं तो उस पे अगर एक्शन आप ले रहे तो ये गलत है, काफी गलत यहाँ पे हुआ है और ये लगभग हर जगह पे देखा जा रहा है। और ये आप ये कह सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे काफी इस तरह के केस आ, क्योंकि ये NH2 कनेक्शन है, तो कुछ लोग फल की जो गाड़ी आती है बंगाल से यूपी से, उसके माध्यम से लोग यहाँ पे चले आ रहे हैं और प्रशासन इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, कोई सुविधा नहीं है वैसी जो होनी चाहिए, एक्टिव नहीं है प्रशासन यहाँ पे। हम आएंगे इंदर सर के पास। सर, क्या प्रशासन या सरकार चाहती तो इस तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होती? मजदूर जो है आराम से अपने घरों को आ सकते थे, या वे जहाँ पे हैं, जिन जगहों पे वो काम कर रहे हैं, वहां पे ही उन्हें खाने की व्यवस्था करके और तमाम तरह की सुविधाएं देकर के उन्हें वहां रोका जा सकता था? लोग पैनिक नहीं होते, लोग पैदल सड़कों पर नहीं आते। क्या इस तरह की व्यवस्था हो सकती थी? जी, जैसा आपने कहा कि इन सरकार के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पहले एक टाइम देती लोगों को अपने घर वापस लौटने के लिए, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती थी कि लोगों में भगदड़ तब भी मचती, अगर जैसे 1 या 2 दिन का मोहलत दिया जाता लॉकडाउन होने से पहले तो भगदड़ तब भी मचती, और जो सरकार का जो उद्देश्य था कि लोग क्राउड इकट्ठा ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, वो उद्देश्य फेल हो जाता। तो जो लॉकडाउन का, जहाँ तक मैंने जितने लोगों से बात करी है उससे ये पता लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने ये मतलब लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, हालांकि ये अभी अभी उस वक्त लग रहा था कि ये 20-21 दिन का होगा, तो 20-21 दिन संभाले जा सकते हैं, समझा समझा जा सकता है कि आप 20-21 दिन घर के अंदर रह के किसी तरह से वो 2-3 महीने 3 हफ्ते आप बिता सकते हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन 1 अनाउंस किया, फिर लॉकडाउन 2 अनाउंस किया, 3 अनाउंस किया, चौथा का भी शायद हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका भी हम कह नहीं सकते हैं। तो ये अब 50-60 दिन का जो हुआ है ये व्यवस्था
बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए कि वो अपने घर पे ही एक ही अंदर रहे और उसकी कमाई भी नहीं हो रही है। और जो लोग जो 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 लोग एम्प्लॉयड हैं, जो लोग जिनकी नौकरी है, उनके लिए तो सरकार ने ये प्रोविजन कर दिया है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाके कि उनको सैलरी देनी ही पड़ेगी एम्प्लॉयर को। लेकिन जो लोग डेली वेज पर हैं, जो मजदूर ज्यादातर 70-80% 90% मजदूर डेली वेज पर है, जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, उनको उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो तो बस वहां पे पड़े हुए हैं। तो उस सिचुएशन को उन्होंने उस वक्त नहीं विजुअलाइज किया कि ये अगर 50 दिन का हो जाता तो इन लोगों की क्या स्थिति होती। अब हमें हाइंड साइट पर, मतलब अब हम यहाँ पे जब 50 दिन के बाद हम ये सोच रहे हैं कि क्या इनको पहले ही निकाल देना चाहिए था या उनको मोहलत देनी चाहिए थी 2-3 दिन या 4 दिन की, तो ऐसा लगता है कि सरकार को ये मोहलत देनी चाहिए थी उस वक्त कि 3-4 दिन पहले हमको बता के कि हम इस दिन 3 दिन के बाद ये अनाउंस करने वाले हैं, आप अपने घर में जा सकते हैं, तो ये अनाउंस कर देना चाहिए था। लेकिन हालांकि क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि 21 दिन का होगा, तो उन्होंने सोचा कि 20-21 दिन बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए पूरे देश को। और दूसरा ये है कि अगर चलिए उन्होंने अपना उन्होंने उनको बंद कर भी दिया, पूरा कंट्री को बंद कर दिया, हर चीज को बंद कर दिया, तो सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि उनको पूरी जरूरत की सामग्री जैसे खाने की राशन और तेल वगैरह और जो भी डेली रोज की जरूरतें होती हैं, उनको सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी, उनको देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया है। तो प्रॉब्लम तो सरकार की ये बिल्कुल दिखाई दे रही है कि दो दो या तो एक तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की उसको बहुत दूर दूर मतलब लॉन्ग टर्म वे में नहीं देखा कि क्या आगे क्या हो सकता है, और दूसरा उन्होंने जितना कर सकते थे वो भी नहीं किया। मतलब उन्होंने जो राशन वगैरह जो करवाना चाहिए था वो नहीं किया। दिल्ली सरकार दिल्ली में काफी अच्छा रिलेटिवली बाकी सरकार की, जैसे मैंने देखा राजस्थान और वगैरह यूपी, इनकी कंपैरिजन में दिल्ली सरकार ने पूरे स्कूलों में दो टाइम का खाना यहाँ पे मुफ्त मिल रहा है लोगों को। तो यहाँ पे तो दिल्ली में हालात ठीक है उस कंपैरिजन में, लेकिन जैसे राजस्थान में मैंने एक स्टोरी करी थी तो वहां पे तो हालात ऐसे हैं कि आप बाहर जाते हो, लोग लोग जो गैर सरकारी संगठन है वो बोलते हैं कि आइए हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो जो कारीगर है जो वहाँ पे कारीगर काम करते हैं, तो उनको पुलिस डंडे से मारती है, और कारीगर जो हथकरघा उद्योग के कारीगर होते हैं उनकी उनको ये बहुत देखना होता है कि उनके हाथ पैर कहीं टूट ना जाए, मतलब किसी भी हालत में अगर हाथ में चोट लगती है तो वो काम नहीं कर पाते क्योंकि बारीकी का काम होता है। तो वो किसी भी हालत में अपने आप को उस लाठी के चोट से बचाने के लिए वो निकलते ही नहीं है, चाहे उसके लिए उनको एक एक वक्त का खाना ही क्यों ना खाना पड़े। और वो खाना भी ऐसा होता है कि वो जो जैसे परिवार है वहाँ पे, काफी परिवार हैं, 3-4 लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो जो माता पिता है वो खाना खुद ना खा के अपने बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो किसी तरीके से निकल जाए उनका टाइम। तो ये हालात तो बहुत खराब है। और तीसरा इसमें ये है कि जैसे कई जो लोग हैं जिनको ये बोला गया है कि नौकरी तो मतलब सैलरी जो उनकी जो उनकी कमाई है वो तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन उनको भी उनके जो एम्प्लॉयर हैं, जैसे कई होटल होटल इंडस्ट्री है राजस्थान में और सीमेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने उनको ये साइन करवाया है कि आप लीव विदाउट पे पे जा रहे हैं। तो लीव उनके उनको साइन करवाया गया है कि ये आप हमने साइन किया है कि जब तक ये हालात दोबारा नहीं सुधरते हैं तब तक ये काम रुक रहा है इस होटल का, और तब तक आप हम आपसे कोई सैलरी नहीं लेंगे, वो खुद ही लिख कर दे रहे हैं, साइन करके दे रहे हैं। और कई लोगों को तो ये भी बोला गया है कि अगर आपको जैसे 21 तारीख तक ये लॉकडाउन 21 तारीख तक का काम उन्होंने किया, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको 21 तारीख 21 दिन की सैलरी चाहिए तो आप रिजाइन करिए, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो आपको 21 दिन की सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं,
और उसमें जब आप एम्प्लॉयर से, जो लोग उद्योगपति हैं, जिनका जिनके जिन जिनके हॉस्पिटल, जिनके होटल हैं, उनसे अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम कैसे दे सकते हैं जब हमारा काम ही नहीं हो रहा है, हम उत्पाद ही नहीं पैदा ही नहीं कर रहे हैं, तो काम ही नहीं हो रहा है जब, तो हम भी कैसे दे सकते हैं। तो वो भी अपना जो ब्लेम है, जो वो ब्लेम है वो सरकार की तरफ डाल रहे हैं कि सरकार ने ऐसा डिसीजन दे दिया है कि हमें ये मजबूरन इनको सैलरी देनी पड़ रही है जबकि हमारा काम ही नहीं चल रहा है, तो हम सैलरी कहाँ से देंगे। तो कई लोग तो जैसे एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस, उसने तो अपना फिल्म उसने तो बंद ही कर दिया, उसने बोला कि हम खत्म हो गए, हम अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। तो जिससे कि ये हो जाए कि उनको वो सैलरी जो 100-150 लोगों की जो सैलरी है वो ना देनी पड़े, उसके लिए उससे बचने के लिए उन्होंने अपने आप को एकदम वो कर दिया है, दिवालिया घोषित कर दिया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और पूरा ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सरकार की तरफ इशारा कर रही है कि उन्होंने इसको ठीक ठीक तरीके से एक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में नहीं किया है। प्रॉब्लम ये है। जी राजेंद्र जी, आपके हरियाणा में जी सोनीपत में, पानीपत में और ये गाँव है जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, इन हिस्सों में बहुत सारे यूपी के, बिहार के और भी तमाम राज्यों के माइग्रेंट मजदूर रहते हैं, काम करते हैं। इस टाइम में फिलहाल वो किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं? बहुत सारे लोग वहां से अपने राज्यों को लौट रहे हैं। आपको क्या लगता है वो मजदूर फिर से लौटेंगे कोरोना के बाद, इस महामारी के बाद, या इस महामारी के कम होने के बाद ये अपने काम करने की जगहों पर वापस आएंगे ये सारे मजदूर? सर देखिए, जैसा हमने देख रहे हैं कि मैं खेतों में गया हूँ, और खेतों में जो कुछ मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं, खासकर जो बिहार से और उत्तर प्रदेश से जो आए लोग हैं, खेतों में जो ट्यूबवेल का एक कोठा होता है जिसको बोलते हैं, उसमें, या कुछ ऐसे जो किसान हैं वो एक कमरा बना देते हैं, उसमें वो लोग रहते हैं, गांव में नहीं रहते, वो उसमें रहते हैं, और वहीं रहना, खाना पीना, और एक एक कमरे में, एक एक कमरे में आठ आठ दस दस लोग वहां पर रहते हैं। और दूसरा, किसी तरीके के जैसे लॉकडाउन की बात आती है, या इसका कोरोना के उसमें सेफ्टी की बात आती है, तो उस बारे में किसी भी तरीके का मतलब उनका कोई सेफ्टी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ना तो मास्क वगैरह लगाते, ना ही किसी तरीके से। हाँ, इतना है कि वो लोग अभी जिंदा हैं, और जो खाने की जब बात आती है, गांव का जो किसान होता है उसी के ऊपर वो निर्भर रहते हैं कि वो उनका कितना मतलब वो देता है, कितना नहीं देता है। तो अगर वो देता भी है तो उसके बदले में लोगों को वहाँ कुछ फ्री में भी काम करना पड़ता है, जैसे उसके खेत की रखवाली करनी पड़ती है, उसके अलावा जैसे जो पानी देने वाला जो खाड़ होता है उसको सफाई करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं, जब उनको जब जब लकड़ी मिलती है, वो रहने के लिए जगह में दे देते हैं, तो वो बहुत परेशानी से मतलब वहां पर रहते हैं। और अगर उनको सही तरीके से सुविधा मिल रही, जाने की अगर उनको सुविधा मिल जाती तो शायद वो चले जाते। और मेरे ख्याल से जो परेशानियां उन्होंने अब की बार सहन की है, वो दोबारा मुश्किल से ही आ पाएंगे लोग। वो ये सोचेंगे, क्योंकि जो लोग हमेशा मेहनत की खाने वाले थे, हमेशा अपना खून पसीना बहा करके इज्जत की रोटी खाने वाले थे, उन लोगों को आज दूसरों के उस पर देख मजबूर होकर के दूसरों की तरफ देखना पड़ा कि भाई कोई हमारे को खाना दे, हमारे को कुछ सो दे। तो मतलब यहाँ पर जो प्रवासी, जो मजदूर बेचारे, जो लोग आए हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति रही है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर कुछ ऐसे लोग हैं जो मजदूर भी नहीं है और जो गांव के लोग भी नहीं है, वो जो घुमंतू लोग जिनको बोलते हैं, शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। घुमंतू लोग जो उसमें घूमते हैं, गड्ढों में घूमते हैं, जो अपने बुग्गी लेकर के गांव से बाहर पड़े रहते हैं फिरने पे, उनको तो सुधार कर, उनको तो सुध लेने वाला कोई नहीं है रहा। तो वो बेचारे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रही, क्योंकि वो इस लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर एक गांव से दूसरे गांव में जा करके
दूसरे गांव से तीसरे गांव में जाकर के अपना कोई रोजगार भी नहीं कर पाए, क्योंकि ना वो कोई सामान बेच सके ना ही उनका कोई साधन था। तो उस तरीके से उनके बड़े भूखे मरने की नौबत आई। कुछ से जो सोशल वर्क है, सामाजिक सेवा संस्थाएं हैं, उन लोगों ने वहां जा जा करके उन लोगों की हेल्प की है। जैसे मैं अपने बताता हूँ, मैंने कुछ छोटे छोटे साबुन थे मेरे पास जिसकी 1-2 रुपए कीमत थी, वो लेकर के उन लोगों में जाके बांटे हमने। भाई आप इस साबुन से धो, उस कपड़े के मास्क वगैरह हमने उनको दिए हैं। खाने के लिए भी कुछ उनको लगभग जैसे 20-25 परिवार थे, एक मतलोडा एरिया है वहां पर 20-25 परिवार थे, हमने वहां जा करके उनको 1 सप्ताह का जो खाना था वो उन लोगों के थैली में हमने दिया। मतलब जो देखा बच्चों की और औरतों की बहुत मतलब दयनीय स्थिति मतलब उनकी रही है सर, क्योंकि वो बाहर आने जाने में बहुत परेशान रहे हैं, इसलिए एक जगह रुकना उनकी मजबूरी होगी। और गांव में क्या था कि चारों तरफ, गांव के चारों तरफ कुछ यंग ब्लड लड़के लोग हाथों में डंडे लाठियां लेकर के वो अपने खड़े थे सड़कों पे कि गांव से जो है वो कहीं बाहर ना जा सके और बाहर से कोई गांव में ना आ सके। तो इस तरीके से जो बेचारे मजदूर थे बाहर के, कुछ रुके हुए थे, वो कहीं ना जा सकते थे ना कहीं आ सकते थे। और कोई चोरी छुपे आता था उसकी पिटाई होती थी, जो चोरी छुपे जाने की कोशिश करता था उसकी पिटाई होती थी। यहाँ तक कि जो गांव के लोग हैं वो कहीं सर्विस करते थे, जैसे खासकर डेली वेज पे जाते थे, कुछ बेचारे फैक्ट्री कंपनी में कहीं जाते थे, तो उन लोगों के जी लिए भी गांव वाले एक ही चीज बोलते थे कि भाई या तो गांव में रहो या फिर वहीं जहां आप काम करते हैं या फिर वहीं रहो वहां। तो उस ऐसी नौबत में अगर वो गांव में रहता है तो उसका जो जो डेली वेज का जो काम था, जो उसकी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो काम करता था उसका वो काम छूट जाता, अगर वहां रहता तो रहने के लिए रहता कैसे। तो खासकर जो मजदूर तबके के लोग थे, चाहे वो डेली वेज पे था, चाहे कॉन्ट्रैक्टर बेस पे था, या जो मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे सर, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें इतनी परेशानियां सहन की कि वो जैसे उनका जमीर है ना, मतलब वो उनकी इजाजत नहीं देता था जितना उन लोगों ने सहन किया है। मेरी आवाज आ रही सर? हेलो सर, आवाज मेरी आई सर? मेरी आवाज आ रही थी सर? आ रही है जी जी। इंदर सर, मजदूर तमाम तरह के परेशानियां झेल रहे हैं और इसी टाइम जो कई राज्यों में लेबर लॉ को लेकर सरकारों ने काफी सारे बदलाव किए हैं। उद्योगपतियों को या उद्योग मालिकों के लिए काफी सारी छूट मिली है। इन सब से आप किस हद तक सहमत हैं? इस छूट से इससे क्या बेनिफिट होने जा रहा है मजदूरों को? देखिए, ये बहुत ही कंटेंशियस मामला है। इसको मतलब ये अभी लागू किया गया है 2-3 राज्य राज्य सरकारों ने, अमेरिका से 4-5 राज्य सरकारों ने, तो इस पर काफ़ी डिबेट हो रही है देश में। एक तरफ से लोग बोल रहे हैं कि इसका इसका जो कारण है, ये क्यों किया गया है, इसको पहले समझने की जरूरत है। ये मेरे ख्याल से जैसा बताया जा रहा है कि चाइना, जो कि जहाँ से ये वायरस शुरू हुआ था, तो वहाँ चाइना के खिलाफ पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से एक गुस्सा हो रहा है। ये गुस्सा ये भी है कि वहाँ पे वहाँ के जो हालात हैं, मतलब कि जिस जिस वजह से वो वायरस वहाँ पे उत्पन्न हुआ, ओरिजिन हुआ, वो कहते हैं कि वहाँ पे जो वाइल्ड मार्केट होता है, वेट मार्केट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे जानवरों को जिंदा मतलब वहाँ पे, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये वायरस वहाँ से आया है। तो उस लिए भी लोगों में नाराजगी है। और दूसरा कि चाइना से वैसे भी अमेरिका की एक तरीके से एक कंपटीशन चल रहा है, वो भी एक कारण है, जिसके कारण जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि काफी अमीर हैं, वो अपने फैक्ट्रीज दूसरे कंट्रीज में ले जाना चाहते हैं। चाइना पे पूरे चाइना में अभी पूरे वर्ल्ड की बहुत सारे मतलब काफी हद तक वहाँ पे उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में है सारा पूरा।
वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो अब वो चाहते हैं कि एक ही कंट्री में इतना सारा हम पूरा पूरा अपना पैसा एक ही कंट्री में ना लगाएं, तो वो दूसरे कंट्रीज को ढूंढा जा रहा है कि ये यहाँ से दूसरे अपने उद्योग दूसरे कंट्रीज में कहाँ लगाए जाए। तो दूसरे कंट्रीज की जब बात आती है तो तीन चार कंट्रीज का नाम आता है, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया और इंडिया। तो इन जो जो मलेशिया और वियतनाम और इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज हैं, ये यहाँ के जो लेबर लॉज हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं इंडिया के मुकाबले। ये कहा जाता है कि जो इंडिया के लेबर लॉज हैं काफ़ी इनफ्लेक्सिबल हैं, वो मतलब काफ़ी रिजिड कहा जाता है, ये मतलब लोग कहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने लॉ को ढील भरती है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उससे ये हो जाएगा कि जो लोग अपना बिजनेस शुरू करेंगे वो उसको उसके जो वर्किंग आवर्स हैं, जो काम करने के घंटे होते हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है और किसी को निकाला जा सकता है, शायद ये भी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि एक अट्रैक्टिवनेस पैदा होगी लोगों में और प्रोडक्शन, कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो उसमें अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्ट करेगा उसको, उसको आकर्षित करेगा। लेकिन इसका जो दूसरा जो इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो नेगेटिव चीज़ वो ये हो सकती है कि जो मजदूरों को जो जो एक तरीके से उनको एक तरीके से अधिकार प्राप्त थे वो अब नहीं रहेंगे, तो उनको निकाला भी जा सकता है, उनसे ज़्यादा काम भी करवाया जा सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए जो भारत के जो वामपंथी दल हैं वो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी पूरा कंट्री लॉकडाउन में है तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हो रहा है सरकार का कि आपने ऐसे वक्त ऐसा वक्त चुना है जब आपके खिलाफ कोई सड़क पे नहीं उतर सकता, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म आ रहा है। तो ये दोनों दोनों तरफ से ये बातें चल रही हैं, अभी इसमें क्या कितनी सच्चाई आने वाला वक्त बताएगा। मैं इस पे अब मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ से ठीक भी है और गलत भी है। जी इंदर जी और सभी मेहमानों का इसी के साथ हम यह कहना चाहेंगे, हम आगे भी इस डिबेट को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप सबसे विदा लेंगे। नमस्कार।